नारकोटिक्स विभाग की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, एसडीएम चौरी चौरा पवन कुमार, एसडीएम कैंपियरगंज अरुण कुमार सिंह, कस्टम इंस्पेक्टर अनिल सिंह सहित नारकोटिक्स विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया कि जिले स्तर पर नशीले पदार्थ जैसे गांजा, हीरोइन, चरस पर रोक लगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों की समिति बनाई गई है, जिसकी समीक्षा हर 3 महीने पर की जाती है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद का बॉर्डर महाराजगंज और देवरिया जिले से सटा हुआ है, जहां से मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है। डीएम ने कहा कि 15 दिन पहले भारी मात्रा में गांजे की बरामदी हुई थी। जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण त्यौहार हैं और त्यौहारों पर मादक वस्तुओं की तस्करी भी होने की आशंका होती है, जिसको देखते हुए जल्द ही जनपद में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा और नारकोटिक्स विभाग का रीजनल ऑफिस भी खोला जाएगा, जिसके लिए भूमि भी आवंटित कर दी गई है। डीएम ने बताया कि जनपद में नारकोटिक्स का रीजनल ऑफिस खुलने से नशीले पदार्थ पर नियंत्रण लगेगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने कहा, मैं सर आसूचना अधिकारी सुनील कुमार, आसूचना अधिकारी सुनील कुमार, इंटेलिजेंस ऑफिसर सुनील कुमार, नारकोटिक्स कंट्रोल, नारकोटिक्स कंट्रोल भी उसी में से हो क्या है, आसूचना अधिकारी आइए सर प्रकाश सिंह साहब सर गए हैं किसी काम से वरिया किसी सूचना मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर आयोजित की जा रही है। पिछले बार जो आरोप है फरवरी में दस फरवरी को देखिए 3 महीने के एक बार एक अनिवार्य मीटिंग होता है नारकोटिक ब्यूरो के जरिए से, एक जनपद का एक समिति बनी हुई है, खासतौर पे ऐसे पदार्थ है जो नशेली पदार्थ कहते हैं उसको, जो गांजा, अवीन, हेरोइन और तमाम तरह का चीज़ होता है, खासतौर पे जो गोरखपुर का कहीं ना कहीं बॉर्डर से भी कनेक्टेड है, महाराजगंज जनपद पास में है और यहाँ बड़े ट्रांसिट भी है, इसलिए तो यहाँ मूवमेंट अक्सर होता है, बरामद भी हुआ है। आपको याद होगा अभी तो 10-15 दिन पहले भी भारी बरामदी हम लोग किए थे गांजा का, और गांजा का मिसयूज़ भी ज़्यादा होता है, इसलिए तो हम लोग विभिन्न विभाग से आज मीटिंग किए थे। खासतौर पर इनपुट इंटेलिजेंस आपस में चेंज करते हैं, कौन इसका सेवन करते हैं, कौन स्टॉकिंग करता है, कौन करता है उसको, और उन्हीं का तो गंभीर धाराएं के अंदर हम बुक करते हैं उसको, फिर सजा दिलाते हैं, उसी का मीटिंग था आज। और आपस में बहुत सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन भी शेयर किए हैं, उसके एक अभियान के तौर से चलाएंगे, खासतौर पर त्यौहार के साथ साथ ये इसका प्रकोष्ठ भी बढ़ता है, उसी के नियंत्रण कराना ज़रूरी है। और नशा मुक्ति केंद्र भी गोरखपुर में जल्दी खोलने वाले हैं, उसी के भी चर्चा किए थे, और नारकोटिक ब्यूरो का भी एक ऑफिस यहाँ खोलना था उसके भी चर्चा किए थे, यहाँ फिलहाल लखनऊ में है, उन लोग रीजनल ऑफिस गोरखपुर एवं बरेली में खोलने के लिए प्रस्ताव किए थे, उसको ज़मीन भी अलाट कर दिए, वो जल्दी नारकोटिक ब्यूरो का यहाँ ऑफिस भी खुल जाएगा और यहाँ जो कितने यूसेज में चल रहा है नारकोटिक वाले चीज़ है वो सब में नियंत्रण भी आ जाएगा।